दालों में अब तेजी बनती दिखाई दे रही है। दालों में अब त्योहारी मांग निकलने लगी है। बाहर के बाजारों में भी दालों की सप्लाई तेज हो गई है। दाल और बेसन की मांग बढ़ने से चने की कीमतों में भी मजबूती आ रही है। चने का स्टॉक वैसे तो मार्केट में अच्छा है, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप दाम नहीं मिलने से स्टॉकिस्ट फिलहाल माल नहीं निकाल रहे। ऐसे में मंडी में चना की आवक कमजोर बनी हुई है। दिल्ली की बाजारों की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी चने के दामों में मजबूती दर्ज की गई है। दिल्ली बाजार में चना 100 रुपये मजबूत हुआ है। वहीं मसूर की आयात पड़ताल ऊंची बैठने से स्टॉकिस्टों की मसूर में बिकवाली रुक गई है। मंडियों में मसूर की आवक बेहद कमजोर है, जबकि त्योहारों की वजह से मिलों की पूछताछ रहने से भाव में फिलहाल तेजी की स्थिति बन रही है। वहीं नाफेड द्वारा ऊंचे भावों पर मसूर खरीदे जाने से भी बाजारों को सपोर्ट मिला है, लेकिन विदेशी मसूर की पड़ताल काफ़ी ऊंची बैठने से आगे भी मसूर में तेजी की उम्मीद की जा रही है। मसूर दाल में भी छुटपुट मांग फिलहाल निकलती हुई दिखाई दी है और जो आगे बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। तुअर और उड़द में कामकाज फिलहाल सामान्य देखने को मिल रहा है। भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं है। वहीं अच्छी क्वालिटी की मूंग की भारी किल्लत होने और मिलों की डिमांड अच्छी क्वालिटी में ज़्यादा होने से कीमतों में तेजी की उम्मीद की जा रही है। बेस्ट क्वालिटी के मूंग की बात की जाए तो भाव 6800 से लेकर 7100 तक पहुंच चुके हैं। दालों में बाजार मजबूत है, लेकिन स्थिर बना हुआ है। काबुली में त्योहारी मांग से तेजी देखी जा रही है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि त्योहारी मांग के चलते आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।